सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, अकबरपुर जिला अम्बेडकर नगर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे और बच्चों को पढ़ने से परिचय, उत्तर प्रदेश। देखिए अभी कोर्स पूरा हो गया, तो चलिए अब हम भाग एक से लेके भाग पाँच तक की जो संपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसको बताते हैं बच्चों का पढ़ने से परिचय में। तो पहला भाग हम लोग शुरू करते हैं, भाग एक के जो पूछे गए प्रश्नोत्तरी है उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो भाग एक है, पढ़ना सीखने की शुरुआत के लिए सही माहौल कैसे बनाएं। तो इसका जो सबसे पहला प्रश्न है, तो आपको क्या लगता है कि हमें अपने बच्चों की यादों में ये बातें सबसे ज़्यादा याद क्यों है। नीचे दिए गए विकल्पों को चुनना और करना है। इसके दो ऑप्शन सही हैं कि पहला जो ऑप्शन बटन दबाना है सबमिट, ऑप्शन चुनने के बाद किताब के निशान पे जो देखिए बंद किताबें किताब यहाँ पर खुली हुई है, जब आप टच कर देंगे तो किताबें खुल जाएंगी, तो सेलेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट नीले रंग का भी हो जाएगा। पहला ऑप्शन का सही है और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि ये बातें हमारे बचपन से रोमांचित करती हैं और ये सभी अनुभव के लिए बहुत खास अर्थ रखते हैं, ऐसे करके सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद आप प्रशिक्षण देखेंगे, इसके बाद अलग अलग प्रश्न आएगा। बीच में हरी के इस एक दिन में आपको कितने ऐसे उदाहरण नजर आए जब उसे दूसरे लोगों की भाषा को समझना था और उसे उचित जवाब देने थे। तो नीचे दिया गया विकल्प उसको चुनाव करके सबमिट करना है। तो इसका जो सही उत्तर आप देख रहे हैं सबसे आखिरी है, इसके सभी है अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने नानी के साथ, इसका उपरोक्त दिए गए लोगों के साथ सबमिट कर देंगे। इसके बाद फिर आप देखिए अगला फिर प्रश्न आ गया कि आपको क्या लगता है कि स्वाति ने दूसरे ग्रुप को क्यों चुना, स्वाति के बारे में पता चला। नीचे आपको विकल्प चुनना है और सबमिट करना है। तो इसका जो सबसे आखिरी है देख रहे हैं दूसरा, उसे कहानी पढ़ने का शौक है और दूसरा समूह उसे ज़्यादा आत्मीयता महसूस हुई, इसलिए ऐसा आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे बुक के आप पे सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे, आगे नेक्स्ट प्रशिक्षण चलेगा। पढ़ना सीखने से संबंधित आपको अपनी कक्षा में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, नीचे विकल्प दिए गए हैं उनको चुनकर आप सबमिट करना है। तो यहाँ पर देखिए चारों विकल्प सही हैं। बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता है, बच्चे बहुत ही बोरियत और अरुचि दिखाते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं जबकि कुछ बच्चे बहुत ही धीरे, और समझ ही नहीं आता कि पढ़ाना सिखाने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाती है। सभी प्रकार की जो है कक्षा में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से इन चारों ऑप्शन का सही है सेलेक्ट करते हुए किताब खुल जाएगी और सबमिट कर दीजिए। अगला आपको वीडियो दिखाएंगे, उसमें कुछ संकेत दिखाए जाएंगे, जैसे हम कखगा सीखते हैं तो उस तरीके से हम इसके बारे में जानते नहीं हैं तो हम इसको पढ़ नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, हम इसे नहीं पढ़ सकते। फिर अब वो आपको कुछ थोड़ा सा अक्षर दिखाएगा और कहेगा कि आ क्या आप इसे आप पढ़ सकते हैं, जब हम इसे जानते नहीं, भाषा के संकेत को हम समझते नहीं, पहचान नहीं, तो हम भी नहीं पढ़ सकते। तो नहीं करते हुए आप सबमिट करेंगे। इसके बाद वो आपको यहाँ पर टच करने के लिए कहेगा प्रत्येक अक्षर पे, तो बोलने जैसे ये त स कु ग इस तरीके से आपको ये आवाज़ ध्वनि देगा, आप इसको एक एक को टच करिएगा तो आवाज़ सुनाई देगी। सुनने के बाद आप नेक्स्ट बटन, जब यहाँ नीचे जो बना होगा नेक्स्ट बटन जो भाग एक से लेके तीस तक है वहाँ उसके आगे नेक्स्ट बटन का बना होता है, जैसे ही आप उसे टच कर देंगे एरो का निशान जो होता है तो आपके पास फिर ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके ध्वनि सुनने के बाद अब आपसे फिर ये प्रश्न पूछेगा कि क्या आप स्क्रीन पर दिखाया गया शब्द आप पहचान सकते हैं, तो देखिए ये ग है ये कु है, तो इस तरीके से अब आप पढ़ सकते हैं क्योंकि अब इस अक्षरों से आप जानकारी आपको हो गई है। जिस तरीके से बच्चा नहीं जानता, कख घ सीखता है तब पढ़ बता सकता है, उस तरह से सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। इसके बाद ये आपका देखिए है ये ता है और ये शाह है, तो इस तरीके से इन अक्षरों को भी अब वो बता दिया तो हम अब समझ सकते हैं ये भाषा क्या है, संकेत है, तो उसको भी सबमिट कर ले जाएंगे, पढ़ ले जाएंगे। आगे जो है, कोकिला के माता पिता अनपढ़ थे, आपके अनुसार इसमें से कौन सी बातों का कोकिला के लिए घर पर अभाव रहा होगा, तो उसके घर पर जो है किताबों और अखबार का अभाव था। तो इस तरीके से आप उसे सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरीके से भाग एक में इतनी पूछे गए प्रश्नोत्तरी थी। अब भाग दो की जो प्रश्नोत्तरी है हम उसके बारे में जानते हैं। भाग दो जो है आपको मिलेगा हम कैसे पढ़ते हैं, तो इस पर संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी हम लोग देखते हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्य को देखें कि अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोया उसके भुगतानीय उधार के लिए, आपको यहाँ पर क्या करना है कि क्या आप इसे पढ़ पाएँ, तो हाँ पढ़ पाएँ क्योंकि शब्द है तो हम पढ़ ले जाएंगे। क्या आपने दिए गए वाक्य जो भी हमने ऊपर फिर से पढ़ा वही दिया गया है,
को ऐसे ही पढ़ा था, पढ़ने का तरीका बताया था कि हम उसको तोड़ तोड़ के शब्दों को देख देख के अक्षरों को बीच में करके, तो हम उस तरीके से सभी लोग पढ़ते हैं, तो हाँ हम उस तरीके से पढ़ें। आगे दिया है कि फिर से वही वाक्य दिया गया है अविनाश जिसने, तो इसमें ये पूछता है कि क्या आप इसका अर्थ समझ पाएँ, तो हम अर्थ नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमें इसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अर्थहीन टाइप से हैं, तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसका उत्तर होगा नहीं, हम नहीं समझ पाएंगे। नीचे आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए आपको द्वारा देखी गई जानकारी का आत्मसात करना, अक्षरों को शब्दों को पहचान जिसे डिकोडिंग कहते हैं, समझना पढ़े गए शब्दों को पूरे वाक्य से जोड़ना, अर्थ बनाना पढ़ी गई जानकारी को मौजूदा ज्ञान से जोड़ना, नई जानकारी को स्मृति कोष में जोड़ना और सही स्थिति में अर्जित का ज्ञान का इस्तेमाल करना, इस तरीके से हमें पढ़ा जाता है। अगर इन सबको शामिल किया जाया गया है इसमें, नहीं ऐसा सब चीज़ों को शामिल किया जा रहा, इसका उत्तर रहेगा नहीं, इसमें शामिल नहीं किया गया। जनरली हम लोग उसी तरीके से सभी चीज़ों को यूज किया जाता है उचित पढ़ने के लिए। आगे आपको फिर दिया गया, क्या आप सभी वाक्य को पढ़ पाएँ, कुछ वाक्य आपको दिखाता उल्टा सीधा, तो उसमें आपको देता है बड़ा करके देता है, फिर छोटा करके देता है, करके देता है, तो हम उस वाक्य को पढ़ ले जाते हैं भले छोटा बड़ा करके देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको उल्टे शब्द करके दिया है, बोलता है कि स्क्रीन आपको सीधा नहीं करना है, तो आपको देखिए पढ़ ले जाते हैं अंदाजा लगा लगा के। तो थोड़ा मोड़ा इससे पूछेगा क्या आप इसे पढ़ ले जाएंगे, तो हाँ करके उत्तर कर देंगे। इसके बाद आपसे भी पूछेगा कि फिर उसी से पूछ रहा है कि वही शब्द दिया गया है वाक्य, तो पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने विकल्प को चुनिए। तो आप देख रहे हैं कि आप शब्दों को देखकर अंदाजा लगाकर पढ़ रहे थे, तो इस तरीके से दिया गया है, तो उससे सुनट कर देंगे। यहाँ आपको दो शब्द दिएगा, एक रबंद ने थीहा की फरत इराशा या कि, एक दिया बंद ने हाथी की तरफ इशारा किया। तो आप देख रहे हैं कि जो अशुद्ध शब्द हैं उसे पढ़ने में समय लगता है और जो शुद्ध शब्द है उसे हम जल्दी पढ़ जाते थे, इस तरीके से बंदर वाला हम शुद्ध तरीके से पढ़ ले जाएंगे जल्दी में। आगे जो दिया गया है, आपको क्या लगता है कि स्क्रीन पर दिखाए गए कौन से कारण पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें चारों जो है प्रभावित करते हैं, हमारी रिस्क लेने की इच्छा, हमारा मूड या दिमाग की हालत, हमारी अपने अध्यापक के साथ रिश्ता, अपने साथियों के साथ हमारा रिश्ता। तो सभी आप सबमिट करके आप सबमिट करेंगे। अगला जो देख रहे हैं कि इनमें कौन से क्षेत्रों में बच्चा अलगाव महसूस कर सकता है, सही विकल्प चुनकर आपको क्लिक करना है। इसमें तीनों भागों में अलगाव महसूस कर सकता है, जब बच्चे अपने नए खिलौने के बारे में बात करते हैं, जब अध्यापिका बच्चों से छुट्टियों में क्या क्या किया ऐसा पूछती है, तो इस तरीके सभी उसके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। अगला देख रहे हैं क्या आप कारण बच्चे के पाठ पर ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, जितने कारण दिए गए थे सभी प्रभावित कर सकते हैं, तो उसको हाँ करके आप सेलेक्ट कर देंगे। प्रश्नोत्तरी हम तीन की बात करते हैं, प्रश्नोत्तरी तीन में जो प्रश्न पूछे गए हैं, भाग दिया गया है भाग तीन मौजूदा तरीकों की जांच, तो हम इसके बारे में देखेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इस्तेमाल हो रहे भाषा को पढ़ने के तरीके कब सोचे गए, इसका सही विकल्प चुनना है और सबमिट करना है। तो इसका दिया गया है करीबन 150 साल पहले, तो इसे सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद दिया गया है कि इस बारे में थोड़ा सोचिए, क्या आप भी इसमें से सहमत है, स्मिथ के बारे में वहाँ दिखाया गया था और सबमिट करना है। तो वहाँ इसमें जिस तरीके से किए थे हम लोग उसके बिल्कुल भी नहीं थे सहमत, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सहमत सबमिट करेंगे। इस वाक्य को पढ़ते समय जगत ने क्या किया, सही विकल्प आपको यहाँ क्लिक करना है। तो क्या किया था, वाक्य को केवल डिकोड किया था, डिकोड करके पढ़ना। आगे है कि आपके विचार में ये पढ़ने का तरीका कैसा है, सही विकल्प चुनकर सबमिट करना है। तो इसका दिया गया है, तरीके को दिए गए थे जो ट्रेडिशनल होता है, श्रेष्ठ और प्राचीन है, आज भी योग है, इस तरीके से हम लोग आज भी पढ़ते हैं, उसको यहाँ पर देख के सबमिट करना था। आमतौर पर बच्चों को डिकोडिंग से कहानियाँ और कविताएँ समझाना शुरू करने में कितना समय लग सकता है, सही विकल्प चुनना है। इसका उत्तर देना थोड़ा सही नहीं है, एक हफ्ते भी कुछ बच्चे को लगता है, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं और उससे ज़्यादा भी समय, तो आप जो भी उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह से शब्द दिखाने से क्या लाभ है, सही विकल्प चुनना है। तो इसके जो ऊपर के चारों ऑप्शन सही हैं कि बच्चा अपूर्ण संदर्भ में प्रिंट को देख पाएगा, बच्चे को प्रिंट का महत्व समझने में मदद मिलेगी, बच्चे में प्रिंट के प्रति डर शायद कम हो जाए, बच्चे के आत्मविश्वास में बढ़ावा मिलेगा, करके चारों सबमिट कर देंगे। अगला जो है, आपको क्या लगता है कि क्या हमारी पाठ्य पुस्तकें बच्चों की इन भाषाओं को सही दर्शाती हैं, विकल्प चुनकर आप सबमिट करना है। तो कुछ कुछ हद तक वहाँ कुछ दिखाया गया था पाठ्य पुस्तकें, तो दिखाया गया था, तो हम कह सकते हैं कुछ कुछ हद तक वो जो है करके सबमिट कर देंगे। आगे दिया गया है, आपको लगता है कि बच्चों को ये शब्द याद रहेंगे,
तो उसको चुनाव करना है। तो बच्चों को जब उस तरीके से जैसा उसमें प्रशिक्षण दिखाया गया तो बच्चों याद रखेंगे, तो हाँ करके आप सबमिट कर देंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसका विकल्प क्लिक करना है, आपको सबमिट करना है? तो इसका इसलिए है कि ये बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है, तो जब भी कोई अर्थपूर्ण होता है तो उसे आप करके सेलेक्ट कर देंगे। आपको क्या लगता है कि हमें शुरुआती चरण में कैसी किताबों का इस्तेमाल करना चाहिए? इसके लिए कुछ किताबों के बारे में दिया गया था, तो वो इसका तर्क ये था कि बच्चों की खुद की बनाई किताबें अगर वो देखते हैं तो बहुत आसानी से सीखते हैं। आपके अनुसार पढ़ना सिखाना शुरू करने के मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं? क्लिक करना है आपको सबमिट करके। तो इसके नीचे के तीन ऑप्शन सही है, बच्चों को रोज़ पढ़कर सुनाना, अर्थपूर्ण पठन सामग्री, अनुभवी पाठक का मार्गदर्शन करके सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आप भाग हम लोग चार की प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। भाग चार की प्रश्नोत्तरी जो है, पढ़ना सीखने की शुरुआत में आपकी भूमिका, हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों के पढ़ना सिखाने में? तो इसके से प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि राधा क्यों इस बात पर जोर दे रही थी कि वो पढ़ सकती है? नीचे जो चुनना है विकल्प और सबमिट करना है, तो उसका जो है ऑप्शन आपका दूसरा सही है कि वो अपने परिवार वालों से कम नहीं लगना चाहती थी। प्रशिक्षण आप करेंगे उसके बीच में ये पूरी प्रश्नोत्तरी आएगी। दोस्तों, इन दो घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? ये आपके बच्चों के बारे में क्या बताता है? तो इसके जो प्रश्न है, इसके तीन ऑप्शन में से जो तीसरा ऑप्शन वो सही है कि बच्चों को असक्षम या अल्प महसूस कराना अच्छा नहीं लगता है, सबमिट करेंगे। इसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि हम बड़े ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों को चुनाव करना है और सबमिट करना है, बटन दबाना है। तो दिया गया है इसका तीसरा ऑप्शन कि संवेदनशील होकर ये कोशिश करें कि उन्हें और शर्मिंदगी महसूस ना हो, आप सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद प्रशिक्षण के आगे मिलेगा आपको प्रश्न, अपनी कक्षाओं में इनमें से हम क्या कर सकते हैं? तो विकल्प को चुनकर सबमिट करना है। तो ये दोनों काम कर सकते हैं, अलग अलग पढ़ने की क्षमताओं वाले बच्चों को जोड़े बनाना, कभी कभी किसी विशेषज्ञ को प्रदर्शन के लिए बुलाना। आगे हम ऐसे स्थिति में आपको क्या महसूस होगा, नीचे दिए गए विकल्प को चुनकर सबमिट करना है। तो स्थिति दिखाई गई थी उस स्थिति में तीनों ऑप्शन सही है, घबराहट और खोया हुआ एहसास होगा, दुख होगा और गुस्सा भी आएगा कि आप कुछ अर्थपूर्ण नहीं बोल पा रहे हैं, एक सच्ची उत्सुकता होगी, तीनों सबमिट होगा। अगर आप हरी की जगह होते तो कैसी प्रतिक्रिया करते? वहाँ हरी को दिखाया गया था, टीचर को दिखाया गया था, तो शायद आप वैसे ही जैसे हरी ने दी, तो हरी की तरह से आप प्रतिक्रिया करते। यहाँ पर इसका आप कंडीशन जैसी थी उस कंडीशन में हरी की जैसा हम भी प्रतिक्रिया करते करके आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद फिर अभी पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि अध्यापिका इस स्थिति में और क्या कर सकती थी? नीचे दिए गए चुनना है और सबमिट करना है। तो यहाँ पर इसका पहला और आखिरी ऑप्शन सही है कि हरी को नए शब्द बनाने से रोकने की वजह उसके अर्थ के बारे में सोचने को कहना, और आखिरी है कि नियमों पर थोड़ी चर्चा करना और बातचीत करके नया नियम बनाना। तो आगे दिया गया है कि आपको क्या लगता है कि अभी क्या हुआ था, नीचे दिया गया है सबमिट करना। दिया गया है कि वो कहानी में बहुत ही ज़्यादा खो गई थी, तो लड़की जो थी खो गई थी। यहाँ पर आपको पास एक संकेत दिखाएगा, फिर संकेत को प्रश्न पूछेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बीच वाला जो है वो इधर से तीसरे नंबर उसे सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ संकेत दिखाएगा, उस संकेतों को इस जो शब्दावली पूछेगा क्या आए हैं, तो दोनों में जो प्रश्न है इन दोनों में वो शब्द नहीं शामिल किया गया है, तो इन दोनों का उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। आगे जो है चंद्रमा की कहानी में अगर शिक्षिका उसे टोकती रहती तो आपको क्या लगता, प्रतिक्रिया को बताइए, तो वहाँ पर बुरा लगता, सही नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कैसी सामग्री देनी चाहिए, तो जो बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे, इस तरह के। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाग पाँच प्रश्नोत्तरी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अपने प्रशिक्षण का आकलन इससे आपका होगा, जिसका भाग है कि अपनी समझ को परखें। तो आपने जो प्रशिक्षण लिया उससे संबंधित यहाँ पर है। अब इससे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो वो अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं, शिक्षक होने के नाते हम उनकी इस मौजूदा निपुणता का कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसके तीनों ऑप्शन हैं, बच्चों को कक्षा में अधिक बोलने का अवसर देना, बच्चों को अनुभवों को आधारित मिलकर कहानियां किताबें बनाना, पढ़ने के शुरुआती को, तो तीनों को आप करके सबमिट कर देंगे, फिर जारी करके दूसरे प्रश्न पर आ जाएंगे। ऐसा पाया गया है कि निरक्षर घरों में आने वाले बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों के मुकाबले स्कूलों में धीरे प्रगति करते हैं, इसका कारण बताइए? तो जैसा इसका कारण है कि ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते,
हैं करके आप सबमिट कर देंगे, फिर जारी कर देंगे, आंसर आपका बताएगा सही है कि गलत है जैसा आप उपचारात्मक करते थे। निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों को लिखित पाठ से परिचित कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो तीनों काम कर सकते हैं। कक्षा भर में बड़े अक्षरों पर लिखे चार्ट या पोस्टर लगाया जा सकता है। रुचिपूर्ण कहानियाँ जोर से बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती है। हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श रोल मॉडल बन सकते हैं। तीनों सबमिट कर देंगे और फिर जारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न बचा, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनकर नीचे दिए गए भाग को पूरा करें। पढ़ना सिखाने में मुख्यतः शामिल है, बीच में भरना है, इसका ऊपर के सभी हैं शामिल, जैसे अक्षरों को पहचानना और उन्हें सही आवाज़ देना, पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझना, पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना और उसे अन्य जानकारियों से जोड़ना, तो ये ऊपर के सभी सही थे। पांचवा प्रश्न, हम में से अधिकतर लोग वाक्य को पढ़ने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? सही विकल्प चुनना है, तो अपनी पहली जानकारी के आधार पर सोचे समझे अनुमान लगाना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा तीसरा, और सबमिट कर देंगे। प्रश्न नंबर 6, शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चों को बेहतर और जल्दी पढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? सही विकल्प चुनना है, इसके तीनों चीज़ है। उनको जो वो जानते हैं और जो वो पढ़ रहे हैं उससे जुड़ाव बनाने में मदद करके, उनको अर्थपूर्ण माहौल में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री देकर और बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े पाठ पढ़ाने के लिए तैयार करके, इसका ऑप्शन तीनों सही होगा, सबमिट कर देंगे, फिर जारी करते हुए सातवें प्रश्न पर आ जाएंगे। बच्चों को अक्षरों की और उनकी सही आवाज़ पहचानने में मदद करने के लिए क्या गतिविधियाँ की जा सकती थी? इसके तीनों गतिविधियाँ की जा सकती हैं। एक एक करके अक्षर सिखाएं और हर अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बच्चों को बताएं। बच्चों के जीवन में अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लिखकर ब्लैक बोर्ड और दीवारों पर दिखाएं और कक्षा में किताब दिखाते हुए बोल के पढ़कर कहानियाँ सुनाएं। तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। आठवां प्रश्न, वार्नर की ऑर्गेनिक पढ़ने की पद्धति की सबसे अद्वितीय बात क्या थी? का कारण चुनना है, आपको बताना है, तो उसके चार का तो नीचे के दोनों सही हैं। वो बच्चों को खुद के अनुभवों व अनुभवों से भावनाओं से जुड़े शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी और वो बच्चों को आपस में अपने शब्दों के बारे में एक दूसरे पर बातचीत पर चर्चा करके अवसर देती थी। दोनों सही करके सबमिट करेंगे। प्रश्न 9, आपके अनुसार बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ना मज़ेदार लगता है? उपयुक्त विकल्प चुनना है और सही विकल्प करना है, तो दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे रंग बिखरे चित्र हों, जिनमें उनके खुद की लिखी कहानियाँ हों, जिनमें ऐसी कहानियाँ हों जिनको वो खुद जुड़ाव महसूस कर पाएँ, जिनमें दूर देश की राजा और रानी वाली कहानियाँ होती हैं, सभी ऊपर के जितने पाँच सब सही हैं, उसको सबमिट कर लेंगे। दसवां प्रश्न, साहिल अपने बड़े भाई से ने शब्द जल्दी सीख पाता है लेकिन वही शब्द उसकी मम्मी उसको सिखाने की कोशिश करती हैं तो उसे सीखना ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे तीनों कारण है कि अपने से थोड़े बड़े साथी ज़्यादा पहुंच में लगते हैं, अपने से थोड़े से बड़े साथी जब गलतियों को ठीक करते हैं तो कम बुरा लगता है और बड़े लोग ज़्यादा माहिर होते हैं और शायद बच्चों को परेशानियों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तीनों ऑप्शन सही सबमिट करेंगे। प्रश्न नंबर 11, बच्चे अक्सर एक ही शब्द को कभी सही और कभी गलत पढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसा क्या है? चुनना है आपको, तो इसके दोनों ऑप्शन नीचे सही हैं। शायद उन्हें पाठ मज़ेदार नहीं लग रहा होगा, वो अनुमान लगाकर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आखिरी प्रश्न आप देख रहे हैं, सीमा जब भी पाठ पढ़ने लगती है तो उसकी शिक्षिका उसको हर गलत शब्द पढ़ने पर उसे सही करती रहती है। सीमा अब कक्षा में पाठ पढ़ना नहीं चाहती, इसके पीछे क्या कारण है? सीमा शायद चिंतित महसूस करती होगी कि वो फिर गलत पढ़ेगी, उसे शायद पाठ न पढ़ना ज़्यादा आसान विकल्प लग रहा, उसके अपने दोस्तों के सामने पढ़ने में शर्माने लगी। इस तरीके से सबमिट करके आप 12 प्रश्न का उत्तर दे देंगे। इस तरीके से आपकी वीडियो पूरा हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो इस प्रकार से आप उच्चारात्मक प्रश्न जैसे किए ठीक उसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट से जाकर उच्चारात्मक प्रश्न की पूरी जानकारी, दीक्षा ऐप से पूरी जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो और जानकारियाँ उचित लगती हैं, सही लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही तकनीकी सहायक वीडियो मैं देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।